गाइस न्यू ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। आज जो मुझे वीडियो बनाना था कि मिट्टू का अंडा बच्चा कैसे होता है और क्या सेटिंग है, सर्दी की वजह से मैं ढाका हुआ हूँ और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ गंदगी हो रहा है। सर्दी की वजह से मैंने सफाई नहीं किया था, आज काफ़ी ज़्यादा सफाई वगैरह भी करना है, संडे के दिन है आज। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पर्दे वगैरह हटा के। ये जो है मेरा जो है ये एक छोटा सा जो है एक मिट्टू के लिए मैंने जगह बनाया हुआ है। ये एक जोड़ा दो जोड़ा ये सारा जो है सारा मिट्टू जो अभी भूखा प्यासा है। सर्दी की वजह से मैं लेट खोलता हूँ और ये मुझे वीडियो नहीं बनाने देगा, मुझे पक्का भरोसा है। और मेरे पास जो मिट्टू था वो काफ़ी ज़्यादा था पिछले सर्दी को। ये जो कितना भी पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में कम से कम 15 मिट्टू था मेरा, वो मर चुका है। क्यों मरा है मैं आपको बताऊँगा अभी। मेरी एक छोटी सी गलती है जिसकी वजह से ये 15-20 मिट्टू जो है मर चुका है। तो अब जो है नेक्स्ट टाइम मैं सोचा हूँ उसमें अंडा बच्चा करना है। ये एक मिट्टू का जो है पियर लग चुका है, ये कुलिया के अंदर है। एक पियर ये है, एक पियर ये है, एक पियर ये है और एक पियर ये है। तो अभी आम का सीज़न जो है आने वाला है, तो आम के सीज़न में साल में एक दफ़ा अंडा बच्चा ये करता है। ठीक है, मुझे ये वीडियो बनाने नहीं देगा। ये आम के सीज़न में एक दफ़ा अंडा बच्चा करता है, जब आम के दरख्त में फूल लगता है तो ये अंडा बच्चा करता है। अभी मैं ये सारे जगहों का जो साफ़ सुथरा करूँगा और नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊँगा पार्ट टू, तो उसमें मैं पूरा सेटअप आपको दिखाऊँगा कि अंडा बच्चा करने से पहले इसको सेटिंग कैसे किया जाता है, कुलिया वगैरह, इसको क्या दाना दिया जाता है, क्या फीड दिया जाता है। तो अभी जो पानी वगैरह नहीं है, इसमें दाना वगैरह नहीं है, सारी जगहों को मैं सफाई करूँगा और ये जो है पूरा पीआईटी तरीके से मैं सेटिंग करूँगा और पूरा मैं आपको अभी ये मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया अभी। ठीक है, बहुत मुश्किल है मैं यहाँ व्लॉग बना सकूँ। ये लोग जो है काफ़ी चिल्ला चिल्ली कर रहा है ये लोग। तो अब जो मैं काम करूँगा ये कि ये खाली पीड़ों का जो है वो मैं प्याला धूँगा, प्याला धोने के बाद दाना डालूँगा, फिर ये लोग खाना खाएगा। इतना लेट मैं क्यों खाना दे रहा हूँ और क्यों पानी दे रहा हूँ ये भी मैं आपको भी बताऊँगा। सिर्फ मैं सर्दी में ऐसा करता हूँ, ठीक है, सर्दी में ऐसा करता हूँ। और सर्दी में मैं इसलिए करता हूँ, पिछले सर्दी में मैंने जो है सवेरे जो सुबह में उठ के जब उसको मैं पानी देता हूँ, बहुत मुश्किल है मैं वीडियो बना सकूँ। मैं लोगों को खाना देता हूँ, फिर खाना देने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। ये लोग खाने में मसरूफ़ होगा तो मैं वीडियो बना सकूँगा। ये जो आप मिट्टू देख रहे हैं ये मेरे पास अभी समझिए 50% है। ठीक है, 50% जो है मेरी कुछ गलती की वजह से मर चुका है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी कौन सी गलती की वजह से मरा है। तो मैं अभी पानी दूंगा और पानी देने के बाद फिर मैं फारिग हो जाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़े दिन में महीने के बाद जो है आम का जो है वो सीज़न आने वाला है। फिर मैं प्रॉपर इसको सेटिंग करूंगा, इसकी सारी कुलियों को सेटिंग करूंगा, इस पिंजरे के अंदर भी एक पियर में डालूंगा, इसमें इस वाले को भी निकाल के मैं कुलियों में लगाऊंगा। इसके अंदर एक पियर है, ये कुलिया के अंदर है, ये देखिए आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी एक है पियर, उसको निकाल के इस पिंजरे के अंदर डालना है, सेटिंग करना है प्रॉपर, सारों से ब्रीडिंग करना है क्योंकि पिछले साल काफ़ी नुकसान हो गया है। ये देखिए ये जो एक जोड़ा है ये भी जो है मादी को मुँह से खाना खिला रहा है, ये भी जोड़े में है। ठीक है, ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में। तो इसके अंदर जो है दो बच्चा है, इसी का बच्चा है, दो बच्चा है, उसको निकाल कर जो है अलग करना है क्यों ब्रीडिंग के टाइम जो है बच्चा नहीं होना चाहिए, खाली होगा नर मादी। मैं पानी इतना लेट क्यों दे रहा हूँ, इसका वजह यह है कि ठंड की वजह से। पिछले ठंड को मैं सवेरे खाना दिया करता था लोगों को और पानी देता था, जिसकी वजह से 15-20 परिंदा को जो है वो मेरा ठंड लग गया था और जो है जिसकी वजह से मेरा काफ़ी परिंदा मरा है, तो मेरे को काफ़ी नुकसान हो गया था। तो मैं इसलिए जो है सर्दी में ख़ास तौर पे पानी जो है मैं लेट, अभी सारा प्याला जो है वो इसमें लगड़ लगड़ कर धोने के बाद, फ्रेश करने के बाद फिर जो है इसमें मैं पानी डालूंगा, फिर मैं लोगों को दूंगा। ठीक है, सारा प्याला मैं इसमें पहले सही से धोऊंगा, फिर धोने के बाद फिर मैं इसको इस दर्रे में लगाऊंगा, फिर मैं पानी लूंगा इसको। पानी दे चुका हूँ सारे मिट्टू को, ठीक है, पानी पी रहा है वो।
और एक मिट्टू जो है वो या नहा रहा ना इस तरीके से ये दिखे, इसलिए मैं ना इतना लेट देता हूँ उसको। सारे दरबे में पानी दे दी हूँ, ठीक है, और अपना खाना पानी मिल गया। सिर्फ सर्दी में जो है वो मैं इतना लेट देता हूँ, वो आपको मैंने वजह बता दी है किस लिए, काफ़ी ज़्यादा मेरे को नुकसान हुआ है, ठीक है। तो अगर आप भी है, और एक अंडा मैं आपको दिखाता हूँ कोने में होगा, ये देखिए कोने में एक अंडा, ये अंडा जो है पिछले साल का है, मैंने निकाला नहीं, ये ख़राब कर दी थी, तो ये अंडा कोने में आप देखिए। काफ़ी नुकसान हो गया था मेरा। इस दफ़ा मैं आपको प्रॉपर जो है वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से लोग जो है मुझे बोलते थे ना यार, बोलते क्या है, पीछा पड़े रहते यार, मिट्टू गंदा बच्चा कैसे होगा, किस तरीके से होगा, काफ़ी ख्याल करना पड़ता है इसको और काफ़ी प्यार भी करना पड़ता है। आप देख रहे भी होंगे किस तरीके से ये दरख्त के नीचे मैंने इनका पूरा घर बनाया हुआ है, दरख्त के नीचे ये घर बनाया हुआ है उसका, और मैं प्रॉपर इसका मेहनत कर रहा हूँ। और इस वीडियो के मैं पार्ट टू में मैं आपको दिखाऊंगा इसकी सेटिंग किस तरीके से किया जाता है। ये जो कपड़ा वगैरह देख रहे हैं सिर्फ सर्दी की वजह से मैंने इसको जो इतना ढक के रखा हुआ है, अभी जब आम का सीज़न आएगा सारा कुछ मैं हटा दूंगा। आप लोग भी ये ख्याल करें जब भी परिंदों को पानी दे सर्दी में, तो कम से कम 1 बजे या 12 बजे दे, और पानी को जो है थोड़ा धूप पर दिखा कर दे, ठीक है, पानी थोड़ा सा जो है वो सुसुम गर्म हो जाएगा, आपका कभी भी परिंदा को नुकसान नहीं होगा, ना आपके परिंदा को ठंड लगेगा और वो सेफ रहेगा। तो काफ़ी परिंदा मेरा जो इस पिंजरे के ऊपर जो 15-20 परिंदा था वो जो है मर चुका है, तो मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। अभी मैं इस दफ़ा जो है काफ़ी मेहनत करूँगा लोगों के पीछे और ब्रीडिंग करवाऊँगा। इसके अंदर जो कुलिया के अंदर एक जोड़ा है वो मैं निकाल के इसके ऊपर रखूँगा। अभी थोड़े दिन के अंदर जो मैं पार्ट टू बनाऊँगा उसमें मैं आपको सेटिंग करके प्रॉपर दिखाऊँगा कि किस तरीक़े से जो है सेटिंग होता है, और किस तरीके से सेटिंग करने के बाद ये देखिए ये खाना खिला रहा है मुँह से निकाल के नर, तो इसका मतलब जो है सीज़न आने वाला है, सीज़न आने वाला है जब ये मुंह से खाना निकाल के नर खिला रहा है, ठीक है। ये भी एक जोड़े पे है, ठीक है, इसको भी कुलिया लगाना है। ये मेरा बत्तखिया है जो खाना खा रही है, और उसका घर ये है मिट्ठू के साथ, ये लोगों के साथ ही रहती है। भाई अब तो मैं चलता हूँ, ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में जो मैं मिलूँगा आपसे कि मिट्ठू की जो है प्रॉपर जो सेटिंग, जो अंडा बच्चा किस तरीके से होता है उसकी सेटिंग, और उसको अंडा बच्चे के टाइम किस तरीके से कौन सा खाना उसको देना चाहिए, उसके लिए क्या फ़ायदा है, और प्रॉपर मैं आपको दिखाऊँगा इसके जो वीडियो है पार्ट टू में, ठीक है। अभी तक का मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।